जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत अनूठा सत्संग है। बहुत से सारे जो सवालों के आपके जवाब देने में सक्षम है ये सत्संग। संगत जी, गुरु जी ने क्यों अमृत वेले में 150 संगत ने खड़े होकर अरदास लगाई गुरु जी को, उसके बावजूद भी गुरु जी ने उस अरदास को रिजेक्ट कर दिया, मंजूर नहीं की वो अरदास, क्यों, क्या कारण था? बहुत से सवालों का जवाब है संगत जी कि अरदास गुरु जी कई बार क्यों नहीं मंजूर करते। लास्ट तक सुनिएगा सत्संग, एक एक सवाल का जवाब मिलेगा आपके। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गुरु जी की बहुत लाडली बिटिया हैं, बहुत प्यारी बिटिया हैं, देवयानी शर्मा आंटी जी ग्रेटर नोएडा से। हाँ जी, देवयानी शर्मा आंटी जी ग्रेटर नोएडा से उन्होंने ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनगिनतम अनगिनतम बार शुक्राना। हे पिताजी महाराज, जैसी कृपा आप हमने हम सब पर बना कर रखते हो, ऐसे सदा ही बना कर रखना और अपना भी ध्यान रखना। तो संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। तो ये सत्संग कुछ ऐसा सत्संग है जो शायद मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और ये अभी कुछ दिनों पहले ही ये इंसिडेंट हुआ है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, बट मेरे दिल से आवाज़ आ रही है कि मेरे को ये सत्संग शेयर करना चाहिए। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस सत्संग। तो कुछ दिनों पहले की बात है, 26th of January मेरे नाना नानी जी की मैरिज एनिवर्सरी होती है। तो नाना जी से बात हुई एंड ही वॉज लाइक कि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने गुरु जी से कहा, मैं गुरु जी को दादू बोलती हूँ, तो मैंने कहा दादू प्लीज़ नाना जी को ठीक कर दो। बिलीव होता है ना हमें अपने गुरु जी पे, अपने दादू पे, कि हम जो कहते हैं ना वो हमारी हर बात सुनते हैं, हमारी हर प्रेयर सुनते हैं। पर इस बार मेरे साथ कुछ अलग हुआ और मैं उस टाइम बहुत टूट गई। धीरे धीरे नाना जी आईसीयू में एडमिट हुए एंड देन ही वॉज ऑन वेंटिलेटर। अभी मेरे नाना जी इसी मंडे को एक्सपायर हुए हैं। अब मैं उस चीज़ का भी शुक्राना करती हूँ कि दादू ने नाना जी को अपने पास मंडे नाइट बुलाया। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच, आपने उनको अपने चरणों में जगह दी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी महाराज, अनंतम शुक्राना। तो फिर 26 को जब मैंने गुरु जी से प्रेयर की, धीरे धीरे टाइम आगे गया और नाना जी की तबीयत ख़राब होने लगी, बहुत बहुत ख़राब होने लगी। फिर एक दिन मैं अपने घर गई थी, ऑफ कोर्स फ्राइडे, मैं सैटरडे अपने घर गई थी और मेरे को पता चल गया था थर्सडे वेंसडे में कि नाना जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनकी चांसेस बचने के बहुत कम है। संगत जी, मैंने बहुत अरदास लगवाई, बहुत अरदास लगवाई, मैंने बहुत संगत से कहा कि प्लीज़ अरदास लगाइए। इनफैक्ट अमृत वेले की अरदास भी लगी। एक अंकल जी ने तो इतनी हेल्प की अरदास में, इतनी हेल्प की कि उन्होंने करीब 100-150 संगत से अरदास लगवाई अमृत वेले की अरदास। उनके दरबार पर संगत आती है और सुबह सुबह वहाँ पे अमृत वेले की अरदास लगती है, वहाँ सुखमणि जी के पाठ चलते हैं। एंड आई वॉज लाइक कि गुरु जी इतनी अरदास के बाद बिल्कुल सुनेंगे ही सुनेंगे। मैं गुरु जी से सुबह शाम यही बोलती थी, गुरु जी अगर नाना जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना, दादू अगर नानू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना, तो मुझे अपनी कोई ब्लेसिंग दिखा दो। तब मुझे कभी कार दिख जाती थी तो कभी कार में रखा हुआ स्वरूप गुरु जी का होता था।
मैं बहुत खुश होती थी। फिर मैं दोबारा पूछती थी ऑफिस से जाते टाइम ये क्वेश्चन किया तो आते टाइम ये, दादू अगर आप नाना जी के साथ हमेशा हो ना तो प्लीज़ अपनी कोई ब्लेसिंग दिखा दो। फिर दोबारा कोई कार दिख जाती थी, कोई अंकल दिख जाते थे जिनके हाथ में ब्रेसलेट होता था, या गुरु जी का स्वरूप दिख जाता था कार में रखा हुआ। मैं बड़ी खुश होती थी। फिर एक दिन की बात है कि धीरे धीरे ये मैसेजेस आने लगे कि हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, गुरु जी के ऐसे मैसेजेस आने लगे और मेरा बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। जैसे जैसे डॉक्टर हमको बताता था कि नहीं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ही इज़ इन डेंजर, ही इज़ नॉट आउट ऑफ डेंजर, ही इज़ इन डेंजर, आप नहीं कह सकते कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, और हम इस चीज़ का कोई भी कोई गारंटी नहीं लेंगे कि वो बच सकते हैं, बिकॉज दिस केस इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। तो मम्मी पापा मामा मामी मासी सब डर गए, सबको यही था नहीं बचेंगे। एंड आई वॉज लाइक नहीं, गुरु जी हैं, मैंने प्रेयर की है, अरदास की है, दादू सब सुनते हैं, उन्हें सब पता है। मैं उनको हमेशा एक ही चीज़ बोलती थी, जैसे ही डॉक्टर कहता था नहीं वो नहीं बच पाएंगे तो मैं स्माइल करके कहती थी कि नहीं अब भी आप गुरु जी को जानते ही कहाँ, गुरु जी की शक्तियाँ ही कहाँ जानते हो, और मैं बहुत खुश रहती थी कि नहीं गुरु जी हैं। फिर सैटरडे मैं घर गई हुई थी और सैटरडे को डॉक्टर्स ने बोल दिया कि वो नहीं बच पाएंगे, आप लोग आ सकते हो। पापा रात को गए मामा जी के पास, मामा जी हॉस्पिटल में थे और नाना जी वेंटिलेटर पे। पापा गए तो फिर मैंने अप्रॉक्सीमेटली रात की 2 या 3 बजे तक पूजा की, गुरु जी का मंत्र जाप किया, कॉन्टिन्यूस सुखमनी जी के पाठ किए, और फिर हॉस्पिटल से कॉल आती है पापा की कि वो अभी थोड़े स्टेबल हैं, उनको उनका बीपी भी सही हो गया है, ऑक्सीजन लेवल भी सही है। मैंने कहा देखा, मैंने कहा था ना हमारे गुरु जी के मिरेकल्स अभी कोई जानता ही नहीं है, ये तो एंड टाइम पे करिश्मे कर देते हैं और डॉक्टर्स दंग रह जाते हैं कि हुआ कैसे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी इस चीज़ को लेकर कि दादू जो करेंगे बेस्ट करेंगे और वो नाना जी को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। पापा मॉर्निंग आ गए, फिर संडे नाइट हमको पता चला कि डॉक्टर इज सही कि ये हार्डली सुबह तक सरवाइव कर पाएंगे, आप इनको लेकर जा सकते हो, अदरवाइज अगर आप वेंटिलेटर पे ही रखेंगे तो ये हार्डली रात कल रात तक सरवाइव कर पाएंगे। देन अगेन मम्मी रोने लगी, पापा भी बहुत परेशान हो गए, एंड आई वॉज स्माइलिंग, मैं स्माइल कर रही थी और मैंने कहा हो ही नहीं सकता, गुरु जी है ना, हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। और मैंने सडनली सुखमनी जी के पाठ चला दिए, गुरु जी का मंत्र जाप किया, 108 टाइम्स मंत्र जाप किया, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट कि गुरु जी नहीं कुछ होने देंगे, बिकॉज हमारा बिलीव जो होता है ना गुरु जी पे वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। पर शायद गुरु जी को कुछ और ही मंजूर था। मम्मी ने सुबह कहा, ये संडे नाइट की बात थी जब डॉक्टर ने ऐसा बोला, और मंडे मुझे वापस आना था गुरुग्राम और जॉब के लिए जाना था, ऑफिस जाना था। मम्मी ने कहा कि तू आज अपने नाना जी से मिल ले, ऑफ ले ले। मैंने कहा मैं क्यों मिलूं उनसे, मुझे पता है नाना जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता उनको कुछ भी, चाहे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मैं तभी उनसे मिलूंगी, आप टेंशन मत लो, अभी आप जानते नहीं हो गुरु जी को। मैंने अगेन उनको यही बोला एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, अब बिलीव हमारा पीक लेवल का था। मैं आ गई, मेरा फास्ट था मंडे का, मैं आई फिर वापस ऑफिस गई, यहाँ पर आकर अपना जो भी सामान था वो रखा रूम रूम पर, और फिर मैं ऑफिस गई। ऑफिस जाने के बाद वही अपना लंच में फ्रूट्स वगैरह लेकर गई थी, फास्ट था, तो गुरुजी की प्लानिंग भी कुछ ऐसी थी कि जब इसका फास्ट खुल जाएगा तो मैं तभी ऐसा कुछ होने दूंगा। बस मैं खाना खाकर हटी ही थी रात को ऑफिस से आने के बाद, सडनली भाई की कॉल आती है कि पापा मामा जी से बात कर रहे थे और मामा जी के पीछे से डॉक्टर की आवाज़ आई कि ही इज़ नो मोर। वो सुनते ही
मैंने फिर से हंस के बोला, अरे यार मजाक कर रहा है क्या, दोबारा से चेक कराओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अभी तुम गुरुजी को जानते ही नहीं हो। उसने कहा कि नहीं, ही इज नो मोर, नाना जी चले गए हमें छोड़ के। मैंने उससे 2-3 बार कहा तू मजाक मत कर, सच बोल। उसने कहा नहीं, वो चले गए। संगत जी, मैं टूट गई, मैं गुरुजी से कुछ कह नहीं पाई। और बस मैंने कहा विश्वास तोड़ दिया, आज आज तोड़ दिया विश्वास, आज कुछ नहीं बचा, सब कुछ तोड़ दिया आपने, सब कुछ बिखेर दिया है, क्या बचा हमारे पास। नाना जी हमारी बैकबोन थे, हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, कभी बाबा जी तो देखे नहीं थे, दादाजी तो देखे नहीं थे, दादू आपको बनाया, नाना जी थे, एटलीस्ट उनको तो रहने देते। और मैं इनसे बहुत लड़ने लगी, मैं कुछ लड़ भी नहीं पा रही थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बट ऑफ कोर्स मैं कॉल पे जिससे भी बात हो रही थी या अकेले में बैठे बैठे यही बड़बड़ा रही थी कि आपने मेरा विश्वास क्यों तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया, अब ये कैसे बिल्डअप होगा, मैं आप पे कैसे भरोसा करूंगी, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। मैं बहुत नाराज हो गई, गुस्सा आ गया मुझे, बहुत गुस्सा आया। माफ करना गुरुजी, माफ करना दादू, हम पागल होते हैं, हम बहुत बड़े पागल होते हैं कि अपने गुरु पर गुस्सा कर जाते हैं, पर जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराजगी भी होती है। मैंने गुस्सा गुरु के रूप में नहीं दादू के में किया था, कि मैं अपने दादू से लड़ सकती हूँ कि आप तो सब कुछ ठीक कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों मेरा कल नहीं दिखाया। फर्स्ट टाइम मेरे मम्मी पापा आपको मानना शुरू कर रहे थे और आपने उनका भी विश्वास तोड़ दिया। मैं उनको बहुत सुना रही थी, बहुत सुना रही थी, मैंने गुरु जी को बहुत सुनाया क्यों किया क्यों किया क्यों किया, और मैं सारा टाइम रोती रोती रहती थी और कुछ नहीं था। पर कहते हैं ना कि प्यार तो है आपको, अब चाहे बेशक कितना भी गुस्सा कर लो, ये प्यार तो कम नहीं होगा। अब मैं कहने लगी आप सच में कुछ हो, आप सच में शिव जी ही हो ना, मुझे ही नहीं लगता, आप मुझे लगता है ऐसे ऐसे बोलते हो कि मैं शिव हूँ, ये संगत आपको ऐसे ही बोलती है। माफ करना गुरु जी, मैंने आपको ऐसे बोला था। मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में। मुझे याद है ये खबर मिलने से पहले मैंने दादू को डिनर भी कराया, मतलब गुरु जी को डिनर भी कराया, और इनसे पूछा भी नाना जी कैसे हैं। उन्होंने कहा मेरे साथ हैं, दिल से आवाज़ आई मेरे साथ हैं। मैंने कहा ठीक है, तो आप साथ हो तो कोई डरने की बात ही नहीं है। फिर जब ये चीज़ हो गई मैं बहुत टूट गई। सुबह सुबह मॉर्निंग जाना था नाना जी के, नाना जी का देहांत होना था, तो नाना जी के उस फ्यूनरल सेरेमनी में हम लोग गए। सुबह सुबह की बात, मैंने सोचा कुछ खा के निकलती हूँ, तो मैंने बस एक दो ग्रेप्स लिए और वो खाने खाने वाली थी कि उससे पहले याद आया गुरुजी हैं। गुस्सा बहुत आ रहा था, बहुत ज़्यादा आ रहा था कि भाई क्यों किया, बट स्टिल प्यार कम नहीं हुआ। मैंने वो बाउल लिया और गुरुजी के सामने कहा खा लो खा लो, अरे खा लो, मैंने 3 बार बोला। और जैसे दिल से हमेशा बात करती थी तो सामने से आवाज आई, दिल से आवाज आई, मुझे नहीं खाना, तू बहुत गुस्सा कर रही है, तू नाराज है। मैंने कुछ नहीं बोला और मैं उठकर चली गई। मैंने 2 ग्रेप्स खाए और बाकी के अपने बैग में रख लिए कि रास्ते में खाने पड़ेंगे तो खा लूंगी, अदरवाइज नहीं खाऊंगी, और वो भी मैंने नहीं खाए थे। अब मैं जब पहुंची गांव, देखा नाना जी को, मैं बहुत टूट गई, बहुत टूट गई। मेरी मम्मी मम्मी बोलती थी, मम्मी बोलने लगी वहां पे, तू तो कहती थी ना कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, क्यों हो गया फिर ये सब कुछ। अब मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी मम्मी, ऑल तो मैं गुरुजी से बहुत गुस्सा थी, बट स्टिल मैं इनके बारे में कुछ सुन भी नहीं पाई। मैंने कहा अगर गुरुजी के होते हुए ये हुआ है ना, तो उसमें नाना जी का ही कुछ अच्छा होगा। मम्मी टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा होगा मम्मी मम्मी, नाना जी के कोई कष्ट थे जो कट गए, वो जो अरदास लगी है उससे कष्ट कट गए, क्या पता है नाना जी का, अगर नाना जी को गुरु जी आगे जीवन ग्रांट कर भी देते, लाइफ ग्रांट कर भी देते, तो वो
क्या उसकी गारंटी थी कि वो लाइफ अच्छी होती, एक हेल्दी लाइफ होती? वो और परेशान होते तो क्या होता? मैं मम्मा को ऐसे समझा रही हूँ, बट वही कहते कि उस टाइम पे किसी को कुछ समझ नहीं आता है। तो मम्मी ने कुछ भी गुरुजी के लिए नहीं कहा। मैं वहाँ से आ भी गई, वहाँ पे घर पे तो ये चीज़ें बोल दी कि मम्मी ऐसे है, गुरुजी के रहते हुए भी ये हुआ है तो कुछ उनका ही अच्छा होगा, बट स्टिल मैं बहुत नाराज़, गुस्से में गुरुजी से बात ही नहीं कर रही थी। मुझे कोई प्रॉब्लम भी हो रही थी, अदरवाइज जब मैं कहीं रास्ते में होती हूँ, कुछ होता है, कोई पेमेंट नहीं हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ना मैं ऐसे बोल रही, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, दादू कर दो, दादू करा दो काम। और मैं उस टाइम गुस्से में गुरु जी का नाम भी नहीं ले रही थी, जय गुरु जी भी नहीं बोल रही थी, शुक्राना भी नहीं बोल रही थी, गुरु जी भी नहीं बोला। मैं बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा मन अशांत था, क्योंकि प्यार इनसे हद से ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस गई, सबसे पहले इनको डिनर कराया रात को आके, फिर दोबारा वही चीज़ कही, खा लो खा लो। फिर इन्होंने जो भी मेरे को दिल से दिखता है, आंखों से नहीं पर दिल से दिखता है, कि इन्होंने एक स्पून ली, दो स्पून ली, जो भी खाया इन्होंने खाया, और फिर मैंने भी थोड़ा बहुत जितना मुझसे खाया गया मैं खाकर सो गई। फिर सुबह ऑफिस गई, ऑफिस जाने के बाद मेरा मन बहुत अशांत, मैं बिल्कुल शांत नहीं थी, बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रही थी, और मैं रो रही हूँ, बार बार रो रही हूँ, बार बार फूट फूट कर रो रही हूँ कि मेरे नाना जी के साथ ऐसा क्यों हुआ। ही वॉज द प्योरेस्ट सोल ऑफ आर फैमिली, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो इतने तड़प कर क्यों गए? उनको और लाइफ आपने ग्रांट क्यों नहीं की? मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं बार बार वॉशरूम चली जाती थी, वहाँ रोती रहती थी, रोती रह रही थी। एट लास्ट मैंने कहा, मैं आ रही हूँ आपके पास, मुझे आंसर चाहिए, अदरवाइज मैं ऐसे परेशान नहीं रह सकती, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैंने देखा कि मेरे घर के पास, जहाँ मैं रहती हूँ गुरुग्राम में, वहाँ पे आसपास कोई साईं बाबा का मंदिर है क्या? और मैं साईं बाबा के मंदिर पहुँच गई। मुझे साईं बाबा और गुरु जी में कोई डिफरेंस नहीं लगता, कोई भी नहीं लगता, सबका मालिक एक। वो बिल्कुल सही बात है, ये सब एक है। अब साईं बाबा के मंदिर जाने के बाद मैं उनके सामने बैठी हूँ, और ऐसी कृपा साईं बाबा ने, हमारे गुरुजी ने बरसाई, कि मैं वहाँ पर आराम से आधा घंटा बैठी रही, और मैं रोती रही रोती रही रोती रही, क्वेश्चनिंग करती रही, सामने से मुझे हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलता चला गया। बहुत सारे आंसर्स मिले, और एट लास्ट गुरुजी ने ये बोला कि नाना जी मेरे पास है, चिंता मत कर, वो ये लाइफ डिजर्व नहीं करते थे, वो एक बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं, वो मेरे पास है, चिंता मत कर, उनको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तुम्हारे घर में से सबसे प्यारी सोल है, सबसे प्यारी सोल, और उनको मैंने अपने पास रख लिया है, अपने चरणों में रख लिया है, उनका उद्धार हो चुका है। उनको अगर मैंने, उनका मैंने ये शरीर अगर त्यागने का प्रोसेस किया था, तो उसके पीछे एक रीज़न था कि वो एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते थे, इस लाइफ को नहीं। अगर मैं और लाइफ ग्रांट कर देता तुम्हारे कहने पे, तो क्या तुम वहाँ पर उस टाइम मौजूद होती उनकी सेवा करने के लिए जब टाइम आता? तो मैंने कहा, शायद नहीं। तो इन्होंने कहा, तो मैं तुम्हारा आगे पीछे 1 साल, 2 साल, 10 साल बाद का भी सोचता हूँ, तुम्हारी अगली लाइफ का भी सोचता हूँ कि नेक्स्ट लाइफ में क्या होने वाला है। एंड दैट इज़ टोटली राइट संगत जी। जब मुझे ये आंसर्स मिले, मैं बहुत रोई, बहुत रोई, मैं इतना रो रही थी कि पंडित जी भी देखकर मुझे रोने लगे। मैं बहुत ज़्यादा रोई, और मैं गुरु जी से सॉरी बोलने लगी, और फिर इतना प्यारा विजन मुझे दिखा कि सबसे पहले तो मतलब ऐसा हुआ कि जब भी मैं देखती थी ना कि साईं बाबा मुझे बुला रहे हैं मंदिर, तो साईं बाबा कहते थे मुझे ना सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाना जिसमें गुलाब हो, तो मैं वो लेकर गई, उनको चढ़ाई, और मुझे इन रिटर्न साईं बाबा से, मतलब हमारे श्री शिव जी, हमारे गुरु जी से, हनुमान जी से, मुझे एक फूल मिला और एक अगरबत्ती मिली, और
क्या कहते हैं प्रसाद मिला, और बड़ा बड़ा अच्छा लगा, फिर बहुत अच्छा लगा, मेरा मन शांत हुआ। और मैं जब घर पर आई वापस, मैंने फिर डिनर वगैरह लेकर आई, डिनर गुरुजी को कराया, तो जब मैं दिल से देखती ना, मुझे गुरुजी सामने बैठे देखते हैं हमेशा, तो मैंने देखा गुरुजी की आंखों से आंसू आ रहे हैं और गुरुजी हंस रहे हैं और कह रहे हैं, तो मुझसे इतना नाराज क्यों हो जाती है, तू मुझसे इतना प्यार क्यों करती है। मैंने कहा मैंने तो गुस्सा किया, प्यार तो किया ही नहीं। तो गुरु जी कहते जहाँ प्यार है वहाँ गुस्सा है, देख तू नाराज भी थी पर ट्रस्ट भी तेरे को यही था, शांत भी तू यही आके हुई है। मैंने कहा हाँ जी, तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी। हमारे गुरु जी ना हमारे हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं, हमारे हर एक क्वेरी का आंसर होता है इनके पास। इतने प्यारे गुरु जी, इतने प्यारे गुरु जी, शायद जितना शुक्राना करो उतना कम है। और मुझे माफ करना मेरे पिताजी महाराज, मेरे दादू, अब तो मेरे दादू नानू सब आप ही हो, मुझे माफ कर देना, मैंने डाउट किया, क्वेश्चनिंग की, वो भी गुस्से में किया, उसके लिए मुझे माफ कर देना, पर आपकी पोती हूँ इसीलिए राइट, एक राइट समझ के आपसे सब चीजें पूछी, मुझे माफ कर देना। ये सत्संग आपने सुनवाया, इस सत्संग से मैं एक ही मैसेज कन्वे करना चाहूंगी संगत को कि संगत जी, गुरु जी से कभी कुछ मांगिए मत कि ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए, बिकॉज वी नेवर नो कि हमारे लिए क्या अच्छा है और जिनके लिए हम प्रे कर रहे हैं उनके लिए क्या अच्छा है। जस्ट से गुरु जी जो अच्छा है वो कर दीजिए, जो किसी का उद्धार, जिस जिस काम को होने से किसी का उद्धार हो जाए बस वो काम कर दीजिए। तो गुरु जी से बस ये मांगना है जिंदगी में, कभी कुछ भी एग्जैक्ट चीज मत मांगना कि ये दे दो वो दे दो ऐसे कर दो वैसे कर दो, बिकॉज वी नेवर नो वॉट इज राइट फॉर अस, वी नेवर नो। तो प्लीज उस राइट को सिर्फ गुरु जी पे सौंप दीजिए, गुरु जी को कह दीजिए जो हमारे लिए अच्छा है वो कर दीजिए दादू, जो अच्छा है वो कर दीजिए, आप हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते। मैं ये मैसेज सभी संगत को कन्वे करना चाहूँगी, और एक और प्यारा सा मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि नाना जी मेरी लाइफ में मेरे बहुत क्लोज थे, ही वॉज द बैकबोन ऑफ आर फैमिली। जब मैंने उनको देखा, उनकी बॉडी देखी, उनके शरीर को देखा, तो मैंने एक ही चीज़ देखी, एक ही चीज़ मुझे समझ आई कि जितनी कदर कर सकते हो, जितनी रेस्पेक्ट कर सकते हो अपने मम्मी पापा की, कीजिए, ये हमारी हमारे लिए बहुत प्रेशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशियस। जैसे हम एक एक हीरे को संभाल कर रखते हैं, कहीं खो ना जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए, तो ऐसे ही मम्मी पापा हीरा होते हैं, इनको हमेशा प्यार कीजिए, अपने से बड़ों को रेस्पेक्ट दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, आपके कर्म ही पीछे रह जाते हैं, बाकी सब कुछ चला जाता है, आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं, बाकी सब यहीं रह जाता है। इस बात को प्लीज समझने की कोशिश करना, जितने प्यारे आपके कर्म उतना प्यारा आपका भाग्य, उतने प्यारे हमारे गुरु जी आपको दर्शन देंगे, जैसे कर्म वैसे दर्शन। तो मानो अब अच्छे कर्म करोगे तो गुरु जी के मीठे मीठे दर्शन होंगे, अगर हमारे कर्म गंदे होंगे बुरे होंगे तो हमारे गुरु जी ना गुस्से में तो होंगे ही होंगे, साथ में उन्हें हर्ट होगा कि मेरा बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ता था और अच्छे नंबर ही नहीं लेके आया। तो अच्छे नंबर लाने संगत जी, हर जगह से अच्छे नंबर स्कोर करने, कि हमारे गुरु जी प्राउडली कह सके मेरा पुत्र है, मेरा है ना, ये मेरी आंटी है, मेरे अंकल है, तो वो वाली चीज कि मेरे स्कूल में पढ़ता है, तो हमको गुरु जी को प्राउड फील कराना है। मैंने बस एक चीज सीखी यहाँ से कि गुरु जी पे बिलीव कीजिए, गुरु जी पे ना बिलीव कीजिए, कभी इस बिलीव को टूटने मत देना, कभी मत टूटने देना, बिकॉज वी नेवर नो हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ही इज डूइंग एवरी थिंग, बस मम्मी पापा की रेस्पेक्ट, उनको टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज इसको कभी मत छोड़िएगा। हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है, मम्मी पापा जब होते हैं ना हमारे पास, वी आर द लकीस्ट वन, बहुत लकी होते हैं हम कि हमारे पास मम्मी पापा हैं, उनकी कदर कीजिए जितनी कर सकते हो, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी बात मानिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, यही गुरुजी की लैंग्वेज में सेवा होती है। गुरुजी कहते हैं पाठ करना ये नहीं होता कि आप पूजा कर रहे हैं, पाठ ये होता है कि पत्नी पति की
और पति पत्नी की, और दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहे हैं, दैट इज़ द गुड पार्ट। ओके, तो हमको वही चीज़ फॉलो करनी है कि हमें अपनी फैमिली को ग्रो करना है, एक अच्छी डायरेक्शन में ग्रो करना है, दैट इज़ पार्ट फॉर गुरुजी। ओके, तो प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैसेज। थैंक यू सो मच गुरुजी, इतना प्यारा सा सत्संग, एक ट्रस्ट वर्दी सत्संग मेरे साथ कराने के लिए और पूरी संगत के साथ शेयर कराने के लिए आपका अनंतम शुक्राना पिताजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड एज यूजुअल मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी और दो लाइंस गुरुजी के लिए गाना चाहूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी महाराज। नमः शिवाय, शिवजी सदा नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब मैं दो लाइन गुरुजी को डेडिकेट करना चाहूंगी, गुरुजी के लिए गाना चाहूंगी। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हो तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में शीश झुकाऊँ, गुरु जी मुझे बता दो, गुरु जी मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊँ, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारे कैसे पाऊँ, गुरु जी मुझे बता दो, गुरु जी मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊँ, गुरु जी मुझे बता दो। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना और अपना भी ध्यान रखना। आपका अनंतम 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 शुक्राना पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना दादू। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए। आई होप आपको यहाँ से बहुत सारे आंसर्स मिले हों, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हों। तो आप सभी का अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू।